ए महाराज, अरे कहीं सवारी बैठावे के चक्कर में बसवा न बैठ जाए। आपको सीट मिल गया ना? हाँ। तो अपना गांड चुपचाप टिकाइए और दिमाग का जो है ना मैया दैया सुबह सुबह मत कीजिए। ये सब ज्ञान जो है ना कहीं और फेलिएगा आप। ये जहानाबाद है, समझे भाई साहब? हम आप बदतमीजी से बात कर रहे हैं हमसे? मतलब हम बदतमीजी से कर रहे हैं? हाँ तो आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप बदतमीजी तो कर रहे हैं। मतलब अब आप हमको तमीज सिखाइएगा? हम तो मजाक किए, कहीं बसवा ना बैठ जाए। आप तो गाली ही देने लगे महाराज। महाराज पहली बार जाना और कहाँ बोलेंगे महाराज, से हम बात की। अरे लड़ है क्या आप? आप चुप रहिए ना, समझा रहे ना हम। जाओ 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 जाओ। कहाँ का टिकट? ये लोग इज्जत से नहीं बात करता है। ये लोग को जितना इज्जत दीजिएगा ना उतना घुस जाएगा। एक बात बताइए, कहाँ से आ रहे और कहाँ जाइएगा? पटना से आ रहे हैं। अच्छा, और काको पाली जाना है? आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। बचवा का टिकट कौन? अरे वो आदमी लोग का रहने का जगह नहीं है, घंटा पर जाएगा घंटा। हम शिक्षक हैं और हमारा काम है पढ़ाना, बस हम पढ़ाएंगे। शिक्षक है ना? हाँ। तो शिक्षक लोग का रहने लग जगह नहीं है, वहाँ पे कायदा कानून नाम का कोई चीज नहीं है मालिक। मगर बच्चा लोग को बोलने के लिए मुँह है लेकिन आवाज नहीं है, लंठा ही होता है खाली, बकचोदी हो जा। आप पाली में रहते हैं? तभी तो अपना गांव के बारे में इतना बता रहे हैं। पाली आने वाला है। ए, पाली आ गया है। ए, पाली पाली आ गया, आ गया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, समन्वय हमरा आराम से आराम से। ए रुको भाई, अरे समन्वय ले ले मेरा, जल्दी मत करो। ओ मास्टर आ रहे आ रहे आ रहे। चलिए चलिए। अरे मेरा मेरा बैग है, बैग बैगवा दे दीजिए। पेटी है ऊपर, साइकिल भी हमरा है। साइकिल आप ही का है? हाँ महाराज, गाय भैंस भी लाद लेते इस पे। अरे साइकिल मेरा है तो हम साइकिल ला देंगे ना, लाइए दीजिए। बकलोल आदमी, कहाँ कहाँ से चले आते हैं ऐसे लोग। वो बैग है, बैग बैग भैया, भूरे रंग का बैग है। ये बैग है? हाँ हाँ, दीजिए दीजिए महाराज। अच्छा ये साइकिल दे दीजिए, दीजिए जल्दी दीजिए महाराज। हाँ साइकिल दीजिए, संभाल के जरा पकड़ लीजिएगा। छोड़ दो? हाँ हाँ छोड़ दीजिए, दे दीजिए। हाँ महाराज, साइकिल उधर रखे ना। अरे साइकिल हम कहे तोड़े इसको, अरे चोट लग गया महाराज। नया साइकिल है। ए चलो, समझ में नहीं आता। सरफराज अहमद के पास आए और हमको लगता है मास्टर जी आप ही हैं। हाँ हम ही मास्टर जी हैं। हाँ बड़का सर हमको कल बोल दिए थे कि 7-8 बजे तक के पहुंच जाएंगे। अच्छा, इसलिए हम आपको रिसीव करने आ गए। अच्छा 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 अच्छा, और कहाँ आप साइकिल में आ रहे हैं? लाइए हम पकड़ लेते हैं। हम बस से आए हैं, हम साइकिल से नहीं आए हैं। नहीं नहीं, साइकिल मत लीजिए, साइकिल मत लीजिए। हम ये झोलवा पकड़ लेते हैं। दीजिए दीजिए दीजिए, यस झोलवा ले लीजिए, ले लीजिए। हाँ ले लीजिए, चलिए चलिए। कहा मास्टर जी आप ना, कहाँ ही जवाल में आ गए।
ट्रांसफर हुआ है कि ट्रांसफर करवाए हैं? ट्रांसफर हुआ है। अच्छा। हाँ, हमको तो ये सरकार का सिस्टम ही नहीं बुझाता है। काहेला स्कूल बनाए हैं, वहाँ कोई पढ़ावे वाला नहीं है। हाँ, सब लगे हैं अपन अपन जुगाड़ में, बच्चा पढ़े चाहे भाड़ में जाए। हम ये सब मास्टर को बोल रहे हैं तो आपको बुरा तो नहीं लग रहा है? अरे काहे को बुरा लगेगा, आपने जो देखा वही बोला ना। मास्टर जी आप अकेले ही आ गए, परिवार पीछे आएंगे का? मेरा परिवार नहीं है। का बोले? उम्र तो आपका हमारे बराबर का लग रहा है, अभी तक ले ब्याह नहीं हुआ है। कौनो चक्कर वक्कर होगा। ब्याह हुआ था मगर हमसे ज्यादा भगवान को पसंद आ गई, बुला लिया अपने पास। सही कह रहे हैं मास्टर जी, उनका आगे किसका चलता है? भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। हाँ सही कह रहे हैं। और कितना दूर है आपका गांव? अभी ज्यादा दूर नहीं है। आइए मास्टर जी, ये आ गया गांव हमारा। आइए मास्टर जी आइए, ये हमारा चाचा का दुकान है। आइए कुछ नाश्ता कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, नाश्ता नहीं। आइए तो कैसे? नहीं नहीं नहीं, हाँ आप खाइए। अरे नहीं नहीं नहीं, हम कचौड़ी नहीं खाते, हम घर चल के आराम करेंगे थोड़ा सा। यहाँ के कचौड़ी फेमस है, पूरा पाली में फेमस है, एक बार खा। नहीं के नहीं, तो नहीं, नहीं आप खाइए ना, हम घर चल के खाएंगे। आइए आइए। अच्छा चलिए, थकान लग गया, हमको जाना है। आइए आपकी मर्जी, आइए चलिए। कल मास्टर जी बता दिए थे ना बड़ा का मास्टर जी, तो आपके रूम हम बहुत बढ़िया से बना के रखे, साफ सफाई करके रख दिए। अच्छा। हाँ आइए अभी दिखाते हैं। हाँ आइए आइए मास्टर जी, ए आ जाइए, आइए आइए मदद कर दें। ना ना हम कर लेंगे। आइए 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 इधर। हाँ हाँ इधर इधर इधर, आइए आइए, ये लीजिए। ए भाग यहाँ से। ये रहा आपका घर, ये रहना है आपको, पहले से सब व्यवस्था कर दिए हैं। ए भंडारी, ये बाबूजी कौन है? बाहर के लगते हैं। हाँ स्कूल के नए मास्टर हैं, बदली करवा के आए हैं, अब आइजा रहेंगे। अच्छा अच्छा, लाइए मास्टर जी हम निकाल। जरा संभाल के। हाँ जी, चाबिया है का? हाँ खोलते हैं। आइए आइए मास्टर जी, आइए आइए। ए ये जान लीजिए, गांव में सबसे टॉप का घर है। यहाँ कौनो दिक्कत नहीं होगा आपको। हाँ रोटी पानी का चिंता मत कीजिएगा। ठीक है। हाँ एक दो दिन में व्यवस्था कर देंगे, तब तक के राशन पानी हमारी तरफ से। अरे धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा मास्टर जी अब हम जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आराम से रहिए। धन्यवाद। हाँ अरे रुके 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 जी, ये लीजिए। इसकी क्या जरूरत थी मास्टर जी? अरे रख लीजिए। अच्छा, जी जी जी। अरे लाइन से लाइन से लाइन से।
अरे मास्टर साहब आप आ गए? अभी तो बड़का मास्टर साहब नहीं आए हैं, तब तक के आप आइए स्टाफ रूम में बैठिए। ठीक है, आइए आइए आइए, चलिए। आइए। नमस्कार। ये प्रशांत जी है, नया बहाली हुआ है इनका, हिंदी का मास्टर है। अच्छा, बड़का सर ने कहा है कि आप लोगों से परिचय करा दें। आइए आइए महाराज आइए, हम लोग तो यहाँ झेल ही रहे हैं, आप कहाँ से आ फंसे चिड़ियाघर में? महाराज जहाँ तक हमको पता है ये विद्याघर है, अब आपको चिड़ियाघर कहाँ से लग रहा है ये हमको पता नहीं। अरे महाराज आप तो बड़ा सीरियस टाइप का बुझा रहे हैं जी, मजाक को नहीं बुझते का? अरे भाई हम तो यहाँ पर डबल मीनिंग में बात करते हैं। क्या मैडम, हम सही कह रहे हैं ना? अरे सर जब ट्रांसफर करवा ही रहे थे तो पटना की तरफ करवा लेते, यहाँ का पंजीरी बट रहा है। अब हमको पढ़ाना ही तो है, पटना पढ़ाऊं चाहे यहाँ क्या फर्क पड़ता है? आपको भले फर्क ना पड़े लेकिन यहाँ तो पड़ता है ना, अब तो आप आ गए हैं। अब ये जो अतिशेष का जो डंडा है वो हमने सबके किसी के पिछवाड़े में घुसेगा ना? अरे महाराज आप लोग इतना स्वर क्या मचा रहे जी? अरे भाई ये भी तो अपना ही बिरादरी वाला है, आ गया तो आ गया। आई जी आप जानी किए कि नहीं? कर ली तो ठीक है, नहीं किए तो डोंट फिगर बट नॉट चिंता। प्रार्थना हो गया, विद्यार्थी सब अपना अपना कक्षा में चला गया, आप लोग यहाँ बैठ के हाहा ही कर रहे हैं, बुझाई भी नहीं करता है कुछ आप लोगों को। एक दिन तनिका सा हम लेट का कर दिए कि हमारा आप लोग फायदा उठाने लगते हैं। इससे पहले कि विद्यार्थी हम लोग का फायदा उठाए आप लोग अपने अपने क्लास में जाइए, उठिए जाइए, मुंह का ताक रहे टुकुर टुकुर, उठिए जाइए आप लोग। और आप कौन? ई है नया मास्टर जी, आपने लाने के लिए कहा था ना हम ले आए। हाँ हाँ प्रशांत कुमार सिन्हा जी जी जी। हिंदी के प्रकांड विद्वान है, आइए आप हमारे साथ आइए, जाइए आप लोग क्लास में जाइए जाइए, नाटक करके रखे हुए हैं। चलिए जी। आइए आइए आइए, देख रहे हैं तमाशा, सब काम चोर है, कोनो काम करना नहीं चाहता है। देख लीजिए हम अगर नहीं कहें तो हमारे केबिन वो साफ नहीं करता है, सब क्या कहें हम, नहीं होता है महाराज। हम ही लिखे थे हिंदी टीचर के लिए ऊपर तक ले, दिमाग पगला जाता है कुछ काम नहीं होता है। एक गो जान आ 76 गो जंजाल। अरे बैठिए ना महाराज, क्या खड़े हैं, बैठिए जी। देखिए रजिस्टर वो ठीक नहीं करता है सब, दीजिए आदेश दीजिए। हाँ ये लीजिए। ओहो समझ में नहीं आता, ज्वाइन कर। नवा प्रशांत सिंह है ना? अब प्रशांत सिन्हा, प्रशांत सिन्हा। हाँ का योगदान स्वीकार करते हैं। हाँ लीजिए एगो साइन कर दीजिए, लीजिए। देख रहे हैं कुछ नहीं संभालता है इन लोग से, सब हम ही को संभालना पड़ता है। अब क्या जी ने कहा है, आपको देख के अब हमको उम्मीद जगा है कि अब हमको आराम मिलेगा। मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। ए भंडारी, भंडारी। जी सर। मर सबको लेके जाओ क्लास में, आज सब लेकर सबसे परिचय करा दो, प्रधान जी से हम बाद में परिचय कराएंगे ठीक से। जी जी। प्रधान जी ये कौन है? प्रधान जी महाराज गांव के ये स्कूल के हम सब के अन्नदाता है, अन्नदाता, बिना उनके आदेश के वो पत्ता नहीं खरकता है। ये सब हम बाद में समझा देंगे, आप पहले जाइए स्कूल में, लेकिन सबसे परिचय कर लीजिए, जाइए जाइए। हाँ। चलिए मास्टर जी क्लास देख लीजिए अपना, आइए आइए चलिए। अम्मा हमको बहुत तेज भूख लगी है, फटाफट खाना लगा दो।
पहले इतना बता दे कि इतना देर कहाँ थी? हाँ अम्मा, वो पिंकिया है ना, पिंकिया, उसका जन्मदिन था इसलिए थोड़ा देरी हो गया। तुमको कब समझ में आएगा? हाँ लड़की जात है, कुछ ऊंच नीच हो जाता तो हम बिरादरी में काम दिखाते। ब्याह करके दूसरे के घर जाएगी, हमरा नाक कटवाएगी का रे? अरे अम्मा, हम ब्याह करके दूसरे घर कहे जाएंगे? अरे ये भी तो हमारा घर है ना, हम तो यहीं रहेंगे, वो भी ठाट से। काहे ना एजा बैठा के अपना छाती पे मूंग दलवाएंगे का? लड़की जात ब्याह करके अपना घर चल जाए तो आदमी गंगा नहाए। अम्मा गंगा वंगा बाद में नहाना, पहले हमको खाना दे दो, हमको बहुत ही तेज भूख लगा है। चुप रे मुझौसी, जाके पहले हाथ दो, तोरा चक्कर में हमारा रोटी जल गया। अरे अम्मा खाना खाने के बाद भी तो हाथ धोना पड़ेगा, काहे को हमको दो दो बार मेहनत कराओगी? हे भगवान, तोरा की कब अकल आई रे? यही कुल आदत के चलते एक एक क्लास में तीन बार इससे है। बाबूजी होते तो ब्याह करके ससुराल भेज दिए होते। अरे अम्मा हमको ना बहुत ही तेज भूख लगा है, और तू हमारे ब्याह में इतना काहे को जोर दे रही हूँ? हाँ सुना नहीं सरकार का कहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब हमको इना बताओ, उनकी करनी और कथनी में बड़ा फर्क होता है। अब जा, जाके हाथ धो के आ, तोर चक्कर में हमारा रोटी जल रहा है। हमको बहुत तेज भूख लगी है। अरे गुप्ता माल पिया, माल पिया मत दे। उनका जुगाड़ ना, हाँ एक नंबर जुगाड़ रहता है, है ना? जुगाड़ ना देखा कौन है, जुगाड़ का बात चल रहा बे। अरे संजय भैया प्रणाम। प्रणाम भैया प्रणाम। ए डबुआ कब आया रे बम्बई से? सुने बहुत माल छाप रहे हो, पार्टी तुम ही से लेंगे हम। अरे काहे नहीं संजय भैया, पूरा अंग्रेजी का खंबा लाए हैं। क्या बात है बे। बस आप ही को ताक रहे थे हम। ई का है बे? ई वाला? हाँ ई वाला ना भैया, लेजर लाइट है। हाँ ये बहुत दूर तक जाता है भैया, ये देखिए। दो तो बे, अजीब चीज रखा है साला। बहुत दूर तक जाता है। अबे हाँ बे, ये तो बहुत दूर तक जा रहा है। अरे ला ला तू भी रखा है। अरे वो ये तीनों कौन है बे? ए देख तो रे, ये कौन भी पत्थर है? अरे ये करे बी पत नहीं, कपूत है प्रधनवा का। अरे तुम लोग लाज शरम बेच दिए हो का? अभी बेचे नहीं, बेचे वाले हैं। तुम किनोगी का? क्या रे तुम लोग को शरम नहीं लगता है, सियान लोग के साथ ऐसा मजाक करते? अच्छा। हो तो तुम्हारे साथ कर लेते हैं मजाक भौजी, अभी तो तुम सेक्सी और जवान हो ना। अच्छा एक बात पूछे भौजी, ये हरा भरा फूल बगिया में कौन सा खुशबू फैला रही हो? जाकर अपनी अम्मा से कहो बेशरम कहीं के। वो सुनी हो ना चाची, नट्टा के नाक कटे पढ़ाई कितना रोज पड़े। अरे लोगन से बहस मत करो, चलो चलो चलो, सब कौन मुँह लगाएगा, चलो चलिए हम लोग प्रोग्राम चालू करते हैं। अबे अमर यहाँ, अबे वहाँ खड़े खड़े का ताक रहे हो, आ इधर बैठो। नहीं मैं ठीक हूँ यहाँ। अबे साला आदमी है ये। आओ ना यार, काहे मुँह लटकाए खड़े हो, आओ पार्टी साटी करते हैं। नहीं नहीं मन नहीं है। अरे ये काहेला दुखी है, कौन रगड़ दिया इनकी मुर्गिया को बे? अबे ओ भोसली वाले सुन, ये नया रंग रूट है, यहाँ शांत नहीं रहेगा ना तो गड़खुल्ला ना अच्छेगा। और साला तुम अपना समय भूल गए, जब बात बात पे गांड फटता था तुम्हारा। भैया वाला अलग बात है, ये भी आ जाएगा अपने रंग में एक दिन, क्यों बे? आ जा भी से। अरे भैया जी, अरे छोड़िए उसको, वो मुंह लटकाए खड़ा है, चलिए पार्टी साटी करते हैं। आओ अबे पियो बे, हटा बे। आइए भैया बैठिए, खोलो भैया बैठिए। दबुआ हाँ ओरिजिनल हाउ ना, अरे एक नंबर है भैया, लीजिए ना, हम बनाते हैं, हम बनाते भैया, बना रहे भैया जी।
गिलास अरे इतना लगे ऐसे ही नीटे मारने। अभी लीजिए ना भैया, मारिए लीजिए लीजिए मारिए भैया ऐसे ही मारिए। हम कितने बार समझाएं आपको कि जरा लिमिट बना के रखिए, आप हमेशा लिमिट के बाहर चले जाते हैं। अरे इससे पार्टी की छवि खराब होती है। अरे वो जमीन देने के लिए मानिए नहीं रहा था, तो आप बताइए हम क्या करते। हम बहुत समझाए, गिड़गिड़ाए, तो क्या जरूरत थी उस पर गोली चलाने की। हम उसको बहुत समझाए पर वो मन में नहीं किया, फिर मजबूरी में हमको गोली मारना पड़ा, समझे। इसका मतलब ये हुआ कि सबको तुम गोलियां मारोगे। अरे कोई भी काम सलीके से होता है, ऐसे ही जल्दबाजी में सबको तुम गोली मारते रहोगे तो तुम्हारी तो जमानत जब्त हो जाएगी, कुछ समझे। अब ये बात तो सही है, अगला इलेक्शन में टिकट चाहिए ना। हाँ, चाहिए ना जी जी। हाँ तो तनी धीरज से काम लो, समझ गए। ठीक है, ऐसे ही हड़बड़ी में गड़बड़ी फैलाते रहोगे तो जनता का दिल कैसे जीतोगे। अभी सब समझ चुके हैं। समझ गए तो उसी में आपकी भलाई है जी। अच्छा अब हम चलते हैं। ठीक है, जो रायता आपने फैला रखा है ना उसको पार्टी ऑफिस में जाके समेटना पड़ेगा। ठीक है जी, कायदे में रहिए जी। और सुनिए जी, कायदे में रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। जी जी जी, प्रणाम। अब प्रणाम वरनाम छोड़िए, जो नसीहत दी है उस पे अमल कीजिए जी। ठीक है जी। हाँ। आप भी बैठ जाइए। जी सर। छुट्टी नाथ जी थे शिक्षा मंत्री, सरकार में बहुत पावर है इनका। प्रधान जी के अपने बहन हुई, आप तो जान भी करते होंगे, नाम सुनने किए होंगे। सर प्रणाम सर। मंत्री जी आए थे, कोनो खास बात का सर। अरे का बुरबक जैसा बात करते हो, मंत्री जी आए थे। अरे उनका ससुराल है भाई, कभी भी आ सकते हैं। हाँ आइए सकते हैं। और तू का आया रात को, काव खाने आया रे। ऐसा है ना कि हमारे विद्यालय में एक नया शिक्षक आया है हिंदी के, प्रशांत सिन्हा, तो हम सोचे कि इनको ले आके आपसे मिलवा दें। आपसे परिचय रहेगा तो ठीक रहेगा, आपका आशीर्वाद भी तो जरूरी है ना इस एरिया में रहने के लिए, इसीलिए आए थे सर। प्रशांत जी बैठ जाइए कुर्सी। आप क्या नाम बताया इनका? प्रशांत सिन्हा सर। सुनिए मास्टर प्रशांत सिन्हा जी, आशीर्वाद के लिए झुकना पड़ता है, बुझे। पहला बार आए हैं इसलिए समझा रहे हैं, दूसरी बार अगर दिखाया ना तो तुम्हारे पिछवाड़े का बोल्ट खोल के तुम्हारे मुंह में डाल देंगे, बुझे। समझा दीजिएगा इनको। जी जी जी, हम समझा देंगे आपको। पावरवा हम नहीं जानते हैं सर, हम तो पुराना आदमी है ना सर, इन नए आदमी हैं, हम सब जानते हैं। आप ये लड़का को मत बचा के मलमला देते हैं, हम जानते नहीं हैं सर। नया आदमी को पुराना करने में 2 मिनट लगाते हैं जी। यहाँ का कायदा कानून पूरा समझा दीजिएगा। सुन लो मास्टर, कान खोल के सुना, यहाँ का हवा भी हमरा मिजाज से नरम गरम होता है, मुझे। हाँ सर, चलिए ना महाराज, चलिए ना महाराज, आप समझते नहीं कोनो बात को, मेरा मतलब है। हाँ बता बता। अच्छा बता सच्ची क्या बोलती, समझ पूरी बात बताना। राजेश भाई
अमुक से बात करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा? पर क्या बात करती समझ ही नहीं आ रहा था। आज हम आप लोगों को जीव विज्ञान में मानव शरीर में रक्त संचार कैसे होता है उसके विषय में आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है? कैसे बात करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम बात करने की कोशिश कर रहे थे पर बहुत डर लग रहा था, अम्मा भी घर पे थी। मैं कैसे बताऊं तुझे, डरपोक है तू। हाँ, बाहर जाते वक्त अमर से मिलूंगी तो जरूर। हाँ, इस बार ना मैं भी चलूंगी तेरे साथ, ठीक है? ये सही कहा तुमने, हम दोनों ना साथ में चलेंगे। बोलना नहीं, मुझे पक्का। अमर देखेगा क्या। अड़िया बता, टाका बतिया रहे तुम अपना सहेली से? हमने तो आमने और सामने की बात तो सुना है और देखा भी है, पर ऐसे 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 आज तक तो हमने सुना नहीं। अरे बच्चा लोग, तू लोग इशारा समझता है? नहीं सर। बैठ जाओ। चल ना चुईया, कहीं बाहर घुमाते हैं, तेरा मन भी बहल जाएगा। चल ना। अरे ऐसा कौन सा पढ़ाई पढ़ रही थी स्कूल में जो इतना रात हो गया? दिमाग खराब करके रख दिया, रोज रोज केस का नौटंकी, रोज रोज केस का नौटंकी। हाँ, सोचे थे हम पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, ये पढ़ लिख के इंसान बनेगी। दिन भर 24 घंटा इधर करो उधर करो, सानी पानी सब करो, ये सब कौन करेगा? लाओ अम्मा,
हम करेंगे। अरे रोज तो स्कूल से आते ही तोरा पेट में आग लग जाता था, आज क्या हो गया? अम्मा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। तबीयत ठीक ना लग रहा? हाँ बुखार तो लग रहा है, अभी तो होना ही था। दिन भर फरगिद्दा मारेगी तो यही सब ना होगा। एक मिनट चैन से सांस नहीं लेती है। रुक, हम बैठ जी से दवाई लेके आते हैं। चुहिया सुनना, बहुत ही जरूरी बात करनी है तेरे से। चुहिया कल वो लोग ठीक नहीं किए तुम्हारे साथ, बहुत ही बेकार लोग है वो सब, हम देखे थे। देखे थे तो कुछ किए काहे नहीं? वो संजय भाई है ना, बहुत ही बेकार है। हम है ना तुम्हारे साथ, बस इतना कहेंगे कि बच के रहो लोग से, और अब भूल जाओ इस सबको। वो खड़ी थी दरवाजे पर अकेले कब से, चूल्हे से रोटी की भीनी खुशबू आई थी शायद जब से। भूख सिर्फ रोटी की नहीं थी उसे, जो कहीं से मिल जाए और मिट जाए। भूख उस ममता की थी जिससे रोटी के लालच में वो लिपट जाए। भूख थी कि कोई एक निवाला उसे भी अपने हाथों से खिलाए, नए फैशन की फ्रॉक उसे भी कोई प्यार से दिलाए। भूखे पेट में तो वासना भी अच्छी नहीं लगती है। वाह मास्टर वाह, बहुत अच्छा वासना की बात करते हो। अरे डबुआ, ये वासना का मतलब क्या होता है बे? भैया जी, वासना का मतलब होता है फिर तो ई मास्टर वाह अपनी बिरादरी का निकला रे। मान गए मास्टर, बड़े ठरकी हो तुम। आगे भेज दीजिएगा तो सही रहेगा। सर जी, सर ये स्कूल है कि क्या है? हम वहां क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं और बाहरी बच्चे अंदर आकर बदतमीजी कर रहे हैं। कौन बैली आदमी आया है जी, हम पटक के तांगे तोड़ देंगे। बोला ही तो कौन है? अरे वो संजय बाबू होंगे, आते जाते रहते हैं इंस्पेक्शन के लिए। ये महाराज काहे के लिए इतना टेंशन लेते हैं? अरे लेका फेका है, सब घूमने फिरने आता है मौज मस्ती के लिए, इतना टेंशन मत लीजिए। जाइए अपने क्लास में जाइए, टेंशन मत लीजिए। अरे क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। हम प्रिंसिपल साहब से बात कर रहे हैं ना, और एक बात सुनिए, वो ना तो छोटा है और ना कोई उत्पात किया है, बदतमीजी किया है, बदतमीजी। और इसी बात की शिकायत हम प्रिंसिपल साहब से करने आए हैं। तो हम कहाँ मना कर रहे हैं आपको, जाके कीजिए ना। प्रशांत बाबू, दरअसल बात यह है ना, वो ठहरा प्रधान जी का बेटा है, इसमें प्रिंसिपल साहब का भी हाथ दबा हुआ है। आप तो समझदार आदमी है, समझने की जरूरत है। एक बात बताइए, कीचड़ में पत्थर मारिएगा तो कीचड़ अपना ही ऊपर न गिरेगा? अगर ये सब बात प्रधान बाबू के कान के नीचे पड़ा, अब अगर ईगो ले लिए
तो आपके लिए भी दिक्कत, हम लोगों के लिए भी दिक्कत। क्या कह रहे हैं? बिना मतलब कि काहे के लिए टेंशन लेते हैं आप? अरे महाराज, आप बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, अपना तनख्वाह लीजिए, घर जाइए, काहे के लिए टेंशन में पड़ते हैं महाराज? जाइए जाइए क्लास में, हम जाइए, हम सब देख लेंगे, जाइए हम देखते हैं। दिमाग खराब कर दिया है ये आदमी, बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। ये रहा अट्ठा। अरे रही अमरी रानी, ये लो 9 मारे साले को। भैया जी वो देखो साला अमरावा चले आ रहा है। बुलाओ रे साले को। सही है, अबे ओए अमरवा आ इधर, भैया जी बुला रहे हैं, आओ जल्दी। भैया जी ये देखो आ गया। का बे, हम लोग साला यहाँ बैठे, तुम हमको सलामी दागे बिना जा रहे बे, हैं? देखो हमको ना तुम लोगों से बात ही नहीं करनी है, ठीक है? क्यों, क्या हो गया बे? हमने कौन सी तुम्हारी मुर्गी रगड़ दी है? अच्छा चलो, गुस्सा थूक दो, ये लो सुट्टा खींचो। अबे पी लो बेटा, तुम्हारी चुप्पी बता रही है कि तुम भैया जी को मना कर रहे हो, होश में तो हो? देखो तुम लोग ने जो कल चुहिया के साथ किया वो गलत किया था, इस वजह से मुझे तुम लोगों से बात ही नहीं करनी है। ओ तेरी, मामला बड़ा टच्ची वाला लगता है। कहा बेटा, कहीं तुमको प्यार व्यार तो नहीं हो गया उससे, हैं? देखो अगर ऐसा है तो बहुत मजा आएगा साला, तुम दोनों हीरो हीरोइन और हम विलेन। वो क्या है ना बे, हमको ना कभी उससे प्यार हुआ नहीं, हमको तो बस जी, समझा? भैया जी ये तो साला सही में अपने आप को हीरो मान लिया है, साला घूर रहा है आपको। अबे हमको ना इससे ना देखो, नहीं तो तुम्हारी आंख की गोटी को तुम्हारी आंट की गोटी से मिला देंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, बुझे? अबे घूर क्या रहा है, चल हट। जाना चल। बड़ा आया है, हीरो बनेगा। साला ऐसे देख रहा था, हीरो बनने के लिए आया था यहाँ पे साला। प्रणाम मास्टर साहब। प्रणाम। वो हम चिया की अम्मा आप ही से मिलने आए हैं। आइए बैठिए। अरे नहीं मास्टर साहब, हम कैसे बैठ सकते हैं? वो स्कूल में कुछ हुआ है का? आजकल चुहिया बड़ा शांत रहती है, पहले तो मुँह से बात लोक लेती थी। ऐसा कुछ हुआ नहीं है स्कूल में, आप चुहिया की अम्मा है, आपको इस बात का पता करना चाहिए। का पता करे मास्टर जी, वो का है ना पूरा बिरादरी से विरोध करके अपना पेट काट के बिटिया को पढ़ा रहे हैं, इस बार भी अगर पास ना हुई ना तो बड़ी बदनामी होगी। हो सकता है इसी बात का टेंशन उसको हो, आप पता कीजिए। आपसे एक ठो विनती है मास्टर जी, वो का है ना ट्यूशन, हाँ हमारी चुहिया को ट्यूशन दे दीजिएगा, बदले में हम चुहिया के हाथे गैया का दूध भिजवा देवल करेंगे। हाँ, दूध भिजवाने की जरूरत नहीं है, हम उसको ट्यूशन दे देंगे। अरे मास्टर साहब, हम अंगूठा छाप जरूर है पर इतना जरूर जानते हैं कि बिना गुरु दक्षिणा के विद्या का ज्ञान नहीं होता है, आपको हमारा बात मानना पड़ेगा, तब भी हम उसको भेजेंगे न तो ऊजा ने और ओकर भाग। गैया का दूध रोज हम चुहिया से भिजवा देंगे मास्टर साहब।
कल से चुईया को ट्यूशन के लिए भेज देना। ठीक है मास्टर साहब, प्रणाम। प्रणाम। धन्यवाद। आइए सर, आइए, बैठ जाइए। हम क्या कर रहे थे, ऐसे कभी खराटा नहीं लेना चाहिए, ठीक है? ऐसे ऐसे जो बैठते हैं ना, तो ये जो कमर का जो हड्डी है ना, टेढ़ी हो जाती है। बुढ़ापा में फिर लोग कैसे हो जाएगा, तू लोग ऐसे हो जाएगा। इसीलिए हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है? और मानव शरीर के अंदर कितनी हड्डियां होती है? 206 होती है। और जो हमारा जो सीना होता है ना, ये देखो 56 इंच का सीना, ये और ये 56 इंच का सीना होता है, और इसको कहते हैं पेट। बात समझ में आई? जो हम जो खाना खाते हैं वो कहाँ जाता है? पेट में जाता है। इसके बारे में बता चुका हूँ तुम लोगों को, इसके बारे में बता चुका हूँ। अब देखो, अब ये क्या है ना, अब इसको क्या कहते हैं बच्चा लोग, इसको क्या कहते हैं? उठा, उठा। बात समझ में आई? पढ़ा पढ़ा पढ़म सर। अरे वाह, आप तो बड़े तन्मयता के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर ऐसे ही सभी टीचर पढ़ाने लगे तो शिक्षा का स्तर तो काफी ऊंचा चला जाएगा। जी सर। वाह, बहुत खूब, दिल खुश हो गया। ये मेरी तरफ से आपको पुरस्कार है, ये लीजिए। वाह, थैंक यू सर। ससुराल पूरा नींद खराब कर दिया क्या? पढ़ रहे? पढ़ रहे? चलो लग जा। प्रणाम प्रणाम मास्टर साहब। प्रणाम प्रणाम। अम्मा ने आपके लिए दूध भिजवाया था। हंस कह रही हो? आपके चेहरे पे आटा लगा हुआ है। अरे अब तो और भी लग गया। हंसने की जरूरत नहीं है इसमें, चुपचाप उधर बैठ के किताब खोलो और पढ़ाई करो, हम आ रहे हैं। मास्टर साहब, मास्टर साहब, मास्टर साहब, लगता है आपकी सब्जी जल रही है। सब्जी? अरे क्या हुआ? ना ना कुछ ना हुआ। अरे आप बैठिए, हम खाना बना देते हैं। नहीं नहीं, खाना हम बना लेंगे, तुम पढ़ाई करो, वहाँ पे पढ़ाई करो। अच्छा, हम समझ गए, आप हमारे हाथ का खाना थोड़ी ना खाएंगे। कहाँ हम लोग और कहाँ आप? हम इस सब फालतू का जात पात नहीं मानते हैं। सुनो, ये लो, तुम रोटी बनाओ, सब्जी हम बनाते हैं। तुम्हारी अम्मा बता रही थी तुम आजकल परेशान रहती हो, खामोश रहती हो, कोनो प्रॉब्लम है का? नहीं मास्टर साहब, ऐसी कोनो बात नहीं है। वो अम्मा तो बस ऐसी परेशान होती रहती है,
सुनो, कुछ भी तकलीफ है हमको बताओ, कुछ ना कुछ उपाय निकालेंगे। और जीवन में सारी समस्याओं का समाधान है, ऐसा नहीं है। और तुमको इस बार अच्छे नंबर से पास करना है, कॉलेज में एडमिशन लेना है, मगर उससे पहले तुमको मेरे साथ खाना खाना है, समझे? हाँ, रोटी बनाओ। प्रणाम। अरे प्रणाम प्रणाम सर, प्रणाम सर। बैठिए आप लोग, बैठिए। हाँ मास्टर जी। मास्टर नहीं सर, प्रिंसिपल लोग हैं। अरे वो एक ही बात है, सब पहले मास्टर था ना, ये तब आ गया ना जी। आप फोनवा किए ना तो उसी समय सब लोगों को जुटा लिए थे सर। वो कहा है कि बार परीक्षा का सेंटर लाने में बहुत मेहनत किए हम, बुझे? जी बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे धन्यवाद डालो अपने दाढ़ में। कि धन्यवाद धन्यवाद हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए दाम। और इस बार रेट ज्यादा होगा और स्टूडेंट डबल, बुझे? सर पहले तो रेटवा फिक्स था, डबल में दिक्कत नहीं होगा। अरे नहीं होगा दिक्कत महाराज, ये हिंदुस्तान है। इस देश में आदमी अपनी औकात से ज्यादा दो चीज पे खर्च करता है, एगो शिक्षा, दूसरा चिकित्सा। तुमको मालूम है सर? मालूम है तो अपना ही किंतु परंतु डालो अपने पिछवाड़े में और लग जाइए वसूली पे। कहें कि बार पेमेंट जल्दी चाहिए। हाँ तो हम लोग कोशिश करके जल्दी दे देंगे। जी सर। वो कहा है ना कि मीडिया से लेके मिनिस्टर तक सबको मैनेज करना पड़ता है, पहले हड्डी डालना पड़ता है। तनिक भी अबेर सबेर हुआ ना तो हम डालेंगे। हड्डी सर? हड्डी नहीं, तुम सब्जी गाड़ में टंडा, बुझे? और सुनिए मास्टर जी। सर तुम्हारा स्टूडेंट ज्यादा है इसलिए तुम्हारा रेट फिक्स है 10 लाख। हाँ वो तो हमको मालूम है सर। मालूम है ना? हाँ। जी। कोनो सवाल, कोनो दिक्कत? ना ना, कोनो दिक्कत नहीं। क्लियर है सर। अरे चुप ना बुड़बक, तुमसे पूछ रहे हैं। कोनो सवाल, कोई शक? ना ना, नहीं। मास्टर जी सर, इन सबको जलपान ग्रहण कराइए और लगा दीजिए काम पर। जी सर। ठीक है ठीक है ठीक है, खाइए खाइए आप सब। ठूसिए आप लोग, ठूसिए ठूसिए ठूसिए, खाइए आप लोग, ठूसिए लीजिए। हेलो भंडारी, लो तुम भी लो। अच्छा देखिए, बड़ी मुश्किल से इस स्कूल में सेंटर पड़ता है। एक एक लेकर से 2-2 हजार रुपये वसूली है। अगर एक बार में नहीं होता है तो 2 इंस्टॉलमेंट ले लीजिए, लेकिन ले लीजिए 2-2 हजार रुपये एक एक लेकर से। क्या बात है, आप लोगों ने तो शिक्षा को व्यापार और त्योहार बना दिया है। मुझे लगता था यहां पर यह सब नहीं होता है, मगर यहां तो फिक्स रेट की बात हो रही है। वाह, कभी सोचा है जब ये बच्चे मेरिट पे बाहर जाएंगे और उनकी असलियत सामने आएगी तो कितनी बड़ी बदनामी होगी इस गांव की, इस स्कूल की, इस स्टेट की शिक्षा प्रणाली की। नहीं, आप लोग बच्चों के भविष्य से खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं आप लोग। मैं ये होने नहीं दूंगा, गलत हो रहा है ये। ठीक कह रहे हैं प्रशांत जी, ये सब गलत हो रहा है। ओहो, अरे महाराज आप ही दोनों को इसी सिस्टम से काहे परेशानी है? ये सब का खाली इसी स्कूल में हो रहा है, सब जगह होता है। अरे हमारे आपके बदल जाने से सिस्टम बदल जाएगा, आंख ढांप के चुपचाप अपना काम कीजिए। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग जाइए अपने अपने क्लास में जाइए, वो सब हम संभाल लेंगे, जाइए। मैं अपने छात्रों के भविष्य को इस भ्रष्ट रूपी शिक्षा तंत्र की बलि चढ़ने नहीं दूंगा, मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा।
हो गया, चलो निकलो यहाँ से। संजय बाबू, हमको जान दो, हमसे बदतमीजी मत करो। देख चुहिया, मतले हमरे सबर का इतना इम्तिहान, माँ कसम फेल हो जाएंगे। कहाँ सोचती हो तुम, मान भी जाओ भैया जी की बात, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। हमको घर जान दो, हमको देख रही। हम यहाँ बकचोद बैठे हैं, साला आज तो सब टूटेगा, हमरा सब्र भी और तुम्हारा दिल भी। अरे छोड़ो, चल। अरे छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें, बचाओ, बचाओ। संजय बाबू आप गलत कर रहे हैं, जाने दो, चल तू, जाने दो हमें, जाने दो, अरे हमको छोड़ दो, बचाओ, बचाओ, चल, बचाओ। जाने दो भैया जी। कहो बे, वो देखो साला मस्तरवा आ रहा है। नारी की इज्जत करना सीखो। लगता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें संस्कार नहीं सिखाया। चलो, कंप्लेंट करूंगा तुम्हारे पिताजी से। चलो। आज महारानी को जब उबेर हो रहा था, कारे जब उबेर हो रहा था तो जल्दी नहीं आ सकती थी, का जरूरत था मास्टर जी को परेशान करने का। अम्मा उ... अरे इसकी गलती नहीं है, गलती तो लाल बाबू के बेटे की है जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसके साथ छेड़खानी कर रहा था। अरे मास्टर जी, वो लड़का सब है, वो तो छेड़ेगा ही, इसको तो अकल आना चाहिए। आप काहे इसको डांट रही हैं? गलती उस संजयवा का है, आपको उसके घर चलकर उसकी शिकायत करनी चाहिए। अरे नहीं मास्टर जी, ये हमसे ना होगा, वो लोग बड़ा लोग हैं और हम उनके सामने खड़ा नहीं हो सकते हैं, और आप शिकायत करने की बात करते हैं। तो ऐसे आप खामोश रहेंगे तो उसका हिम्मत और बढ़ जाएगा। आज वो बाहर छेड़ा है, कल घर में घुस के छेड़ेगा, फिर आप क्या करेंगे? आप चिंता मत कीजिए, हम साथ चल रहे हैं। उसके माता पिता से आज चलकर हम लोग शिकायत करेंगे, चलिए मेरे साथ। अभी हाथ धो के आते हैं। हाँ। चलिए मास्टर जी। आइए आइए। अरे कह दिया ना, सब ठीक हो जाएगा। अरे बुढ़बा, गवाह का जरूरत तब पड़ता है जब मामला कचहरी तक जाएगा, समझे?
बाहरी मैदान साफ कर देंगे। कैसे कि अभी गढ़ में हमारे इतना कूदा है, इसलिए तो हम मैदान में कूदा है। मुझे चलिए फोन रखिए, बाद में बतियाएंगे। सुने नहीं बकलोल, फोन रख। अरे तुम सब इधर कैसे हैं? और ये मास्टर साथ में, क्या बात है? प्रधान जी, वो संजय है ना? हाँ, हमारा बेटा है। कोनो दिक्कत? नहीं, वो इनकी बेटी को परेशान करता है। अच्छा, ये तो बहुत गलत बात है, सुनकर बहुत दुख हुआ। पर मास्टर जी, हमको ये बताइए कि आप पढ़ाना वढ़ाना छोड़कर वकालत करने लगे हैं का? हाँ बताइए। देखिए, ये सब हमारे गांव का मामला है, आप परदेसी आदमी हैं, बीच में टांग मत अड़ाइए। मैं एक अध्यापक हूँ, और अध्यापक का काम है सही राह दिखाना और सही बात बताना। आपका बेटा संजय है ना, वो चूहिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं सही समय पर नहीं पहुंचता ना, तो अनर्थ हो जाता। वाह मास्टर वाह, क्या सीख देते हो, अच्छा लगा। अब देखिए, तुम सबके सामने हम उस लड़के का कैसे गान क्लास लेता है। अरे संजय वाह। जी बाबूजी। इधर आप। अरे क्या तू ही लड़की को छेड़ा क्या? अरे साले वहीं पटक के नहीं दिए। ये साला, इनका औकात नहीं होता हमारे सामने खड़ा होने का। प्रधान जी। मास्टर देखो, मास्टर, मास्टर जी, ये जो तुम्हारी में है समाज सेवा का रहमानी कीड़ा है ना, इसका इलाज कराइए। पैसा हमसे ले जाना, कहे सी कि ये बहुत जानलेवा है। क्या जानलेवा? और सुन पर्वतिया, अपनी बेटी को बचाना है तो इसका ब्याह कर दे। कहे से कि बेटी जो है वो पराया अमानत होता है, कहीं ऐसा ना हो कि अमानत में खयानत हो जाए। जाओ घर, घरे जाओ, चल लेके जाओ इसको, जाओ। अंदर नहीं।
बहुत सबर किया, सब सबर टूटा, अब कोई नहीं आएगा। चलो भाई, जितने कम कपड़ा रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, जाने दो, छोड़ो मुझे, हटो, छोड़ो मुझे। चलना, चलना, अरे, चल, चलो, चलो, साला कहे थे तुमसे जिस दिन हम बेसबर हुए उस दिन बवाल हो जाएगा, आज होगा साला बवाल। बहुत बच रही थी ना हमसे, ये बच के दिखा। हमको छोड़ दो, हमको जाने दो, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। देखो हम भैया बोल रहे हैं। जाने दो, भागो भागो। अरे कितनी सेक्सी है ए चुहिया। अरे मान जाना यार, अरे मान जाना। भैया जी क्या हुआ बे? हमारी गोटिया से गोटी खेल गई है साली। कहाँ जाएगी रे तू बच के? साली भैया जी पे थूक दी, अब देख तुमको हम लोग कहाँ कहाँ थूक लगाते हैं। डॉक्टर साहब वो लड़की कहाँ है? लड़की तो अभी बात करने की स्थिति में नहीं है। देख तो सकते हैं ना? हाँ देख सकते हैं। आप ही का बेटी है? जी साहब। अच्छा कब और कैसे पता लगा इस बारे में? साहब सुबह दिशा मैदान के लिए गई थी, उबेर हुआ तो हमको चिंता हुई, तो हम खोजने निकल गए। गांव के बाहर खेत में बेहोश मिली साहब। अच्छा मतलब बलात्कार होते हुए नहीं देखा है आपने? सही कह रहे हैं ना? चाल चलन तो ठीक है ना इसका? अरे भाई पूछना पड़ता है, अब पूछेंगे नहीं तो बूझेंगे कैसे, और बूझेंगे नहीं तो तफ्तीश का करेंगे, फिर आप ही लोग बोलता है पुलिस हमरा बात नहीं सुनता है। समझ गए सब, अब इतना उम्र की लड़की को घर में बैठा के धरोगी तो यह होगा ना, समय से बिहाव कर देती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। साहब सब वहाँ कोई कह रहा था कि सवेरे प्रधान के लड़का और ओकरे दोस्त को कोई देखा है वहाँ पर। ये कौन है रे? घीसू। हाँ घीसू। अरे तुम वही हो ना जो प्रधान जी के खिलाफ चुनाव लड़े थे? जी जी जी। फिर हार गए थे तो जमानत जब्त हो गया था, है ना? तुम्हारी पार्टी का वो नारा भी तो था का, घीसू हमारा नेता है, सब नेता है, वह हो ना? अरे सुनो चुनावी रैली नहीं है जहाँ भाषण चोट के चले जाओगे और पब्लिक तुमको वोट दे देगी, इना रेप केस है, अदालत में गवाही देना पड़ता है,
और हम गारंटी दे रहे हैं कि गवाही देते देते तुम्हारा बढ़ जाएगा। दोगे गवाही? हैं? नहीं सर। भाग, ठीक है, चूतिया साला। डॉक्टर साहब रिपोर्ट आ गया इसका? अभी रिपोर्ट आया नहीं है। हाँ तो जैसे ही आएगा हमको बताइएगा। ठीक है सर, हम करेंगे कार्रवाई। जी सर। अरे थोड़ा नीचे दबा बेटा पंजे को थोड़ा। हाँ ये थोड़ा नीचे दब ना बेटा, ऊपर ही ऊपर लगा हुआ है तू। दरोगा बाबू आए हैं। दरोगा जी आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ भेजो 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 जी। जाओ कहा दरोगा जी। प्रणाम प्रधान जी। अर्जेंट में सलामी दाग रहे हो? क्या हुआ? अब सर इतना रात को हम खुदे आए हैं तो मामला गंभीर है होगा। थोड़ा अकेले में बात हो सकता है आपसे? यारे बेटा बाहर जाओ। बाहर जाओ बाहर जाओ। आइए बैठिए। जी बैठो दरोगा। ठीक है। बतावा क्या बात है? अरे कहा है सर, संजय बाबू जो है ना कांड कर दिए हैं। वो पर्वतिया है ना, उसकी बेटी चुहिया को दिए हैं। मतलब कि हमारा लौंडा जवान हो गया है, यही बताने आए हो दरोगा? अरे नहीं सर। देखिए मामला को हल्का मत लीजिए, अकेले होते तो हमें संभाल लेते है ना, लेकिन वो अपने तीन चार दोस्तों के साथ मिल के चढ़ गए थे। धोखे से भी शिकायत दर्ज हो गया ना तो मामला गैंगरेप का हो जाएगा। ऊपर से वो चूहिया जो है ना वो जाती है। अरे मोरा चिकन खाइए आप। उपास है हमरा। तुमको क्या लगता है तो पर्वतिया हमारे खिलाफ आवाज उठाएगी? इतना हिम्मत है उसमें? अरे नहीं नहीं हम बोल रहे हैं आप ही कुछ कर कुरा के सलटा दीजिए ना उसको। अरे तो इसमें कौन बवाल है, है? अभी मंत्री जी को अपने जीजा जी को फोन करेंगे, दो मिनट में मामला मैनेज कर देंगे। है? प्रधान जी मंत्री जी का नाम बीच में आ जाएगा ना तो अपोजिशन के हाथ बटेर लग जाएगा मुफ्त का, आप समझ रहे हैं? तो आप अपने स्तर पे उसको खत्म कर दीजिए और का। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम पर्वतिया के पास जाएं? अरे ये थोड़ी बोल रहे हैं हम, आप पैसवा हमको दे दीजिए, हम पर्वतिया के मुंह में ठूंस देंगे, कहानी खत्म है। ठीक है पैसा तुमको मिल जाएगा, लेकिन हम एक बात बताएं तुमको, एक बार पर्वतिया मस्टरवा के साथ हमारे पास आई थी संजय की शिकायत लेकर, तो ध्यान रखिएगा कहीं पर्वतिया मास्टर के फेरे में ना पड़ जाए फिर से। देखिए ये बात हमको पता नहीं था। हाँ तो हम बताए ना। हाँ तो ठीक है, केस हम अपने हाथ में ले लिए, आपके आशीर्वाद से कभी फेल हुए हैं का? ठीक है। मास्टरवा बीच में आएगा तो उखरा पांच डाल देंगे, हगने के लिए तरस जाएगा साला। ये रखिए, अब तुम बांस डालो या डंडा डालो ये तुम्हारे ऊपर है। इतना में हो जाएगा? मतलब इतना में तो हो ही जाएगा, ये बोल रहे थे चलें। दारू वारू पीना है? ना ड्यूटी पे। अच्छा अच्छा प्रणाम। ठीक है ध्यान रखिएगा। हाँ
बेटा कुछ खा लो, कब तक अपने आप को सजा दोगी? जो कुछ हुआ इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है बेटा, ये सारा दोष अपनी तकदीर का है। सही टाइम पे तुम्हारा ब्याह कर देते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। सही कह रहा था उधर अगुआ। सौ साल उम्र है हमरा। चल बता अबू दिन का का हुआ, कौन कैसे छुआ, सारा डिटेल में बताओ, ठीक है ना? अरे भाई देखो, रोने होने से काम नहीं चलेगा, समझ रही हो ना? का अभी तो मीडिया आएगा, वो सौ सवाल करेगा। फिर दरोगा साहब, ऐसे में तो हमारी बेटी का बदनामी ये ना होगा। अरे तो बदनामी होगा तो का हुआ हैं? गरीब की बेटी का इज्जत गया है, पूरा देश को पता होना चाहिए दोषी कौन है। अदालत में वकील लोग जिरह करेगा, 100-200 सवाल अलग से पूछेगा, फिर पूरा देश जो है ना तुम्हारी बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पे उतर जाएगा। हाथ में मोमबत्ती था मैं, और तुम्हारी बिटिया को इंसाफ जरूर मिलेगा। अब कब मिलेगा ये नहीं बता सकते। दरोगा साहब, हमको हमरे हाल पे छोड़ दीजिए, ऐसे में तो हमारी बेटी जीते जी मर जाएगी। ये भाई देखो, सोच लो, फिर तुम ही लोग बोलता है पुलिस हमारा बात नहीं सुनता है, गाली देता है। सोच लो एक बार फिर से। वैसे एक बात बोले हैं, तुम हो बहुत समझदार हैं, पर ये जो प्रधान के यहाँ गई थी ना वो मास्टर के साथ शिकायत लिखवाने, वो काहे? नतीजा देख रही हो ना? अरे समझ रही हो का बोल रहे हैं हम? हाँ दरोगा जी, हम सब समझ गए, हम गरीबन का कोई ना होता है। ऐसा काहे बोल रही हो? अरे हम हैं तुम्हारे साथ, देखो प्रधान से लड़के लेके आए तुम्हारे लिए, धरो उसको, खिलाना पिलाना ठीक हो जाए, शादी करा देना, धरो। दरोगा जी, हमको हमारे हाल पे छोड़ दीजिए, नहीं चाहिए हमको पैसा, जाइए आप, निकलिए यहाँ से। पक्का? चलते हैं। हमको घर ले चलो। हाँ बेटा, हम ले चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। वो कुछ दिनों से चुहिया स्कूल नहीं आ रही है और डेरे पे भी नहीं आ रही है, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आप अंदर आइए मास्टर जी। देखिए क्या हाल है। क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब? आराम से, आराम से, लेटी रहो, लेटी रहो। क्या हुआ, कैसे हुआ, बताओ। उस दिन संजय और उसके दोस्त सुबह गाड़ी में मुझे लेके और मेरे साथ
वो 5 लोग थे जिन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की। दो दिन से कुछ खाई नहीं है, ये हाल रात कैसे जिएगी मास्टर साहब? तुम्हें लड़ना पड़ेगा अपने लिए। हम थाने चलकर रिपोर्ट लिखाएंगे, तुम्हें इंसाफ मिलेगा और दोषी को सजा। बस मास्टर जी, बहुत हो गया। एक बार आपका बात माना तो ये नतीजा हुआ। हमें इंसाफ उंसाफ कुछ नहीं चाहिए, हमें अपनी बेटी की जिंदगी चाहिए। और आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप यहाँ पर बताइएगा, जाइए यहाँ से। अपना ख्याल रखना, हम चलते हैं। अरे चोहिया, तुम तो वहां बैठती थी, फिर ये लड़के लोग के साथ पीछे क्यों बैठी हो? नहीं मार साहब, वो पीछे ही बैठेगी, हम उसको हमारे बगल में नहीं बैठने देंगे।
हम जान सकते हैं क्यों? वो अम्मा ने कहा है कि वो अच्छी लड़की नहीं रही, उससे दूर रहने को कहा है। चुईया, मुझे सब मालूम पड़ गया। क्या मालूम पड़ गया? वही जो तुम्हारे साथ हुआ था, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। काहे याद दिला रहे हो, सब भुला कर जी रहे हैं ना हम। बहुत बहादुर हो तुम, तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो अपना जान दे देती। नहीं मर सकते हम, पता नहीं कौन से जन्म का पाप करके बैठे हैं। मरना होता तो उसी दिन ना ही मर जाते। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। का ठीक हो जाएगा? जो काली खमरा मुंह पे लगी है ना, हम मर जाएंगे ना तो भी ना धुलेगी। फिक्र मत करो, धीरे धीरे ये सब लोग भूल जाएंगे और कोई ना कोई तो तुम्हारा हाथ थाम ही लेगा। तुम थामोगे मेरा हाथ? करोगे हमसे ब्याह? पता था हमें कि झटपट पिंजरा में तड़पे झटपट पिंजरा में तड़पे हो चिड़ैया हमारा के झटपट पिंजरा में तड़पे। आ गई बेटा। रुक, हम तुम्हारे लिए कुछ खाना लाते हैं, भूख लगा होगा। ले बेटा कुछ खा ले। भूख नहीं है। क्या हुआ बेटा, किसी ने कुछ कह दिया क्या? अम्मा, हमारा यह मन नहीं लग रहा, हमको कहीं भेज दे। कहाँ भेज दे बाबू, हम गरीबों का तो कोई रिश्तेदार भी नहीं होता है। अम्मा, हम सब कुछ भुला के जीना चाहते हैं, और अगर यहाँ रहेंगे ना तो हम कुछ नहीं भुला पाएंगे। अम्मा, अम्मा कुछ भी नहीं भूल पाएंगे। कितना मस्त वीडियो बनाया है उस छोकरिया के। वीडियो तो बड़ा मस्त बना बे। जा साला, तुमको हम इनाम दिए और इनाम ये होगा कि अगली बार इस माल पर हमरे बात। भैया जी, सही में? अरे हाँ, कहीं मजाक उजाक तो नहीं ना कर रहे हो? बस साला, तुमसे हम मजाक करेंगे। भैया जी, तो फिर आपको ये जूम करके दिखाते हैं। भैया जी, गजब का वीडियो बनाए बे। क्या हुआ बे? कुछ ही आ रही है। आने दो साली को, आज फिर उसको पकड़ के। क्या बात है, इतनी जल्दी सब भूल गई तुम, लेकिन हम नहीं भूले। माँ कसम, बहुत कड़क माल हो तुम।
एक बार मन से आ जाओ, जन्नत की सैर करवा देंगे तुमको। सही कह रहे हैं भैया जी, मन से अगर तन सटे ना तो मजा दे दना दन आता है। चुप है। मन से आई तो हमरी लुगाई और तुमरी भौजाई लगेगी, समझे? हमको कहीं नहीं आना, हमको जाना है। आना तो तुमको पड़ेगा चुहिया रानी, वो भी पूरे मन के साथ, वरना जो सुहागरात वाली वीडियो है ना, कल पूरा गांव देखेगा। भैया जी दिखा दें क्या? ये देखो कितना वीडियो बनाए हैं, पूरे गांव को दिखा देंगे। और सुनो, YouTube पर भी डाल देंगे, सुपर हिट हो जाओगी। सृष्टि का निर्माण करे है, पापों से मुक्त करे है, अज्ञानी मूर्ख अंत अपना करने चला था। ढाल उसकी बनकर आई नारी, रूपणी नहीं ब्रह्मचर्णी है, देवी है त्रिशंकु की अर्धांगिनी। भेज धरे अनगिनत बल बुद्धि शील में श्रेष्ठ है नारी। पृथ्वी पर विपत्ति जब जब आती, दुर्गा रूप धरे है नारी। प्रतिशोधित लक्ष्मी बाई, इंदिरा गांधी का बलिदान, किरण बेदी की निष्ठा, कल्पना चावला की उड़ान। देश का मान बढ़ाती, युग युग में इतिहास बनाती नारी। उस युग में भी प्रताड़ित थी, इस युग में भी लाचार है नारी। कहीं कोयल की कूक बनी, कहीं महाभारत की हूक बनी, राम और रावण की पहचान है नारी। नारी बेटी, नारी पत्नी, नारी माता, नारी बहन, नारी प्रेमिका। तुम? वो हमका रिपोर्ट लिखवाना है। तुम्हारी अम्मा को पता है? पूछा तुमने उनसे? हमको किससे कुछ नहीं पूछना है। वो हमारा वीडियो बनाया है और कह रहे थे कि जब बुलाए तो आना पड़ेगा, नहीं तो वो हमारा वीडियो फैला देंगे। बहुत हो गया, अब तुम्हें डरना नहीं, लड़ना है। मैं तुम्हारे साथ हूं। सर, ये आपका चड्डी भीगा हुआ है। आ तो धूप में सुखाओ ना उसको। अच्छा सर, अच्छा। और चीनी कम है का मास्टर जी? हैं? का आपका साइंस तरक्की किया है? चड्डी सुखने में 2 दिन लगता है, अरमाना ठंड है, चड्डी सुखाने का यंत्र नहीं बना सकते हैं? बैठिए। ओ बैठो, बैठो बैठो। बताइए का सेवा करें? बोलो बोलो। बोलो, डरो मत। वो हमको रिपोर्ट लिखवानी थी, हमारा बलात्कार हुआ है और वो वीडियो बनाकर हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं। अरे बाप रे, ये कब हुआ तुम्हारे साथ? कुछ दिन पहले। उस दिन पहले हुआ, रिपोर्ट लिखाने अब आई हो? सौदा कर रही थी का? देखिए आपका काम है
रिपोर्ट लिखना, तो आप रिपोर्ट लिखिए। ए मास्टर, ये तुम्हारा स्कूल नहीं है, थाना है। और आजकल ये मास्टर का बात कुछ ज्यादा समझ आ रहा है तुमको, इसलिए साथ लेके आई हो। अब ये किसके साथ आई है, किसके साथ नहीं आई है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपका ड्यूटी है रिपोर्ट लिखना, और आप रिपोर्ट लिखिए। अरे तो पूछिए ना इससे, उस दिन अस्पताल गए थे तो काहे नहीं बोली है? हमारे साथ बलात्कार हुआ है, 5 लोगों ने मिलके किया है, संजय, डब्बू, राणा, राजू और धीरू ने, और उन्हें हमारा वीडियो भी बनाया है और वही वीडियो दिखाकर हमको फिर से मिलने बुलाया है, और कह रहे थे कि अगर नहीं मिलने आई तो हमारा वीडियो फैला देंगे, और वही वीडियो आपको उनके मोबाइल में मिल जाएगा। ये बात तो हमको पहले काहे नहीं बताई रे? हम डर गए थे, और वही डर का फायदा उठाते हुए वो हमको आज धमका रहे हैं। आप हमारा रिपोर्ट लिख रहे हैं कि नहीं? देखिए, अगर आप रिपोर्ट नहीं लिखेंगे तो हम डिस्ट्रिक्ट थाने में जाएंगे। अरे एक मिनट भाई, लिख रहे हैं रिपोर्ट, लेकिन ये जो सारा बात बोले हैं ना, वो लिखित में देना पड़ेगा। देगी। उसके बाद हम चेकिंग करेंगे, सच्चाई होगा तो कार्रवाई भी करेंगे। ए बीमारे! जी सर। रिपोर्ट लिखो इनका। जी सर। नाम बताइए। चुहिया। पूरा निबंध लिखवा लीजिएगा। पिताजी का नाम? मंडोली महातो। हाँ बोलो बोलो। कहाँ गई थी रे? अम्मा, हम कितना घबरा गए थे। पुलिस स्टेशन गए थे हम रिपोर्ट लिखवाने। उससे तो अच्छा था कि तू अपना जान दे देती। अब एक काम और कर, कहीं से थोड़ा सा जहर ले आ, खुद उखा ले, हम मौके दे दे। कैसी बातें कर रही हैं आप? वो अपने लिए लड़ रही है, बेटी है आपकी, आपको उसका साथ देना चाहिए। हमको पता है कि वो हमारी बेटी है, यही लिए डर रहे हैं मास्टर जी। और काहे लिए आप उसको उल्टा सीधा पट्टी पढ़ा रहे हैं? आप ना हम दोनों को अपने हाल पर छोड़ दीजिए। और हाथ जोड़ते हैं, आप भी एजा मत आइएगा, जाइए यहाँ से। चल रहे, हमारी बात तो सुनो। अम्मा चल, बात तो सुनो हमारी। अम्मा बहुत हो गया। अम्मा बात तो सुनो हमारी। भैया मास्टर आ गया। मार, पुलिस के पास जाएगा, भैया के खिलाफ रिपोर्ट करेगा। हाँ भैया, हाँ बहुत बढ़िया भैया, गट के मारो, खोपड़ी खोल दो। भैया जी चलो रे, इसका काम हो गया, चलो। अब जाके यमराज से कंप्लेन करेगा। बहुत बोलता था ये मास्टर। ठीक है सर, ये चोट कैसे लगा? ज्यादा लगा है का? ना ठीक है।
समझाया था ना आपको कि गांव के फेरा में मत पड़िए। समझ में नहीं करते हैं कोनो बात। अरे महाराज, आपको कहाँ पड़ा है ये सब लफड़ा में जाने के लिए? पढ़ाने आए हैं, पढ़ाइए, तनख्वाह लेके घर जाइए। बिना मतलब कई चक्कर में कहाँ पढ़ना है? आप प्रधान जी को नहीं जानते हैं, बहुत उल्टा खोपड़ी का आदमी है वो। आपके चक्कर में हम लोगों को सजा दे दिया ना, तो फेरा हो जाएगा। अरे आपके न तो आगे नाथ है न पीछे पगहा, लेकिन हम लोग तो बाल बच्चेदार आदमी ना जी। माफ कीजिएगा सर, स्कूल के बाहर का मामला हमारा निजी मामला है। अब हम सत के लिए लड़े या आंखें बंद कर लें, ये निर्णय हमारा निजी है। अभी भी वक्त है, संभल जाइए, ना तो पूरा गांव एक तरफ हो जाएगा और आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। आपसे उम्र में बड़ा हूं इसलिए समझा रहा हूं, समझिएगा तो ठीक है, न तो आपकी मर्जी। आराम कीजिए, ठीक हो जाइएगा तो स्कूल ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए जी, ध्यान रखिएगा सर अपना। अरे तुम यहां से कहां जा रही हो? ई का हुआ मास्टर साहब? ये क्या बताएं, ये तुम्हारे घर की तरफ से जा रहे थे ना, तो गड्ढा मिल गया, तो गड्ढे में साइकिल चला गया तो इधर लग गया। मास्टर जी, आपको ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। उस दिन तो आपके पास साइकिल भी नहीं थी ना, सच बताइए क्या हुआ? सच बोलने का इनाम है ये, मगर ये चोट मेरे शरीर को लगी है, मेरे हौसले को नहीं। मास्टर जी, अब हम ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। हमारे साथ जो होना था अब वो तो हो गया। हमारी वजह से आपको कोई तकलीफ हो, ये बात हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कैसी बात कर रही हो? अरे तुम्हें लड़ता देखकर मेरे अंदर लड़ने की हिम्मत आई। काश ये हिम्मत उस समय आती तो आज मेरी पत्नी संध्या जिंदा होती। उस समय मैं अकेला था, लड़ नहीं पाया, मगर आज तुम्हारे साथ मैं हूं, हारने नहीं दूंगा तुम्हें। तो आपकी पत्नी के साथ मासा साहब? मेरी बीवी के साथ भी वही हुआ जो तुम्हारे साथ हुआ था। उसे इंसाफ नहीं मिला, उसने आत्महत्या कर ली। मैं पुलिस स्टेशन भी गया रिपोर्ट लिखाने, मगर उन लोगों ने उल्टा मुझे दोषी करार दे दिया। मैं डर गया, मैं हार गया और मैंने अपना ट्रांसफर यहां करा लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ मास्टर जी। इसलिए तो कहता हूं, डरो मत, लड़ो। हमारे भीतर का डर समाज में अपराधियों को जन्म देता है। अच्छा चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, तुम्हारी अम्मा तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। जी मास्टर जी। चलो। क्या हुआ? तबीयत ठीक है? अरे ये क्या हुआ? आओ आओ इधर आओ, इधर आओ, ये आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ आ, हाँ पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, हाँ हाँ
झुको झुको। देख रहे हो भाई? हाँ मास्टरवा तो चूहिया को कौन और पाठ मुंह पे डालो पानी। हाँ सही कह रहे हो भाई, पानी मुंह पे मिल। हमको तो ये मास्टरवा पर पहले से शक लग रहा था। पी लो पानी। अब कैसा लग रहा है? हाँ ठीक हो जाएगा। पानी पियो पानी पियो, आराम से आराम से। जो आदमी इस उम्र में अकेला रहे उसका क्या भरोसा है? खाली मास्टरवा की गलती ना है, ये जो चूहिया है ना मास्टरवा के फंसा ली है। देखो 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 कैसे पानी पिला रहा है। ठीक लग रहा है ना अभी? अभी ठीक लग रहा है ना? उठो गांव के स्कूल में पढ़ाई नहीं रासलीला चल रहा है। अरे देख देख कैसे कंधा पे हाथ रखे चल रहा है। रे बाप रे बाप। अरे मास्टरवा और चूहिया मिलके हमारा गांव के नाश दिए हैं। छी छी। अभी देखो मास्टरवा साइकिल पे बैठा रहा है। देखो जाने दो। अब बैठो। ये लोग यहीं सब पीछे मत बैठो, पीछे मत बैठो, आगे बैठो, आगे बैठो, बुलाए आगे बैठ जाओ। इन लोग को गांव से अलग कर देना चाहिए, भगा देना चाहिए। चल। अरे रे वो आगे बैठा के ले जा रहा है। अरे हे भगवान हमारे गाँव का नाम नाश कर दिया। ब्लो ब्लो द विंटर विंड, कवि कहता है, बहो बहो आए जाड़े की ठंडी हवा, तुम बहो तुम उतनी दुखदाई नहीं हो जितना कि एक मनुष्य। कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहता है कि ए मास्टरवा। कवि का कथनी को बाद में बताना, पहले थाना चल के अपना करनी देखो। हम जान सकते हैं कि आप हमें थाने क्यों ले जाना चाहते हैं? हाँ हमको तो पता ही था ना, मास्टर हो बिना पूछे तो जाओगे नहीं। ला रे ये वारंट है तुम्हारे खिलाफ। चलिए इंस्पेक्टर साहब। चलिए बाकी का कच्चा बाद में होगा। चलिए कर रहे हैं दरोगा जी? मास्टर जी के साथ ऐसे काय कर रहे हैं? ये हमारे स्कूल के टीचर हैं। अबे ये टीचर नहीं है, बहुत बड़े चीटर हैं। ये जो हरकत किए हैं गांव वालों को बता देंगे ना तो इनके मुंह में कौनो मूतेगा नहीं। तुम कौन हो बे? हम स्कूल के चपरासी हैं। भाग चल बैठा इसको। चपरासी सवाल जवाब कर रहा है। का कर दिए बे? हैं? गांव की भोली भाली लड़की को ज्ञान पेलते पेलते ये साले पेट फुला दिए उसका, और इल्जाम लगा रहे हो सीधे साधे लड़कों पे? अरे 25 पैसे का तीन, चिल्ला चिल्ला के सरकार का गला सूख गया, अब तो फ्री बांट रही है फिर भी। तुम गए बेटा 12 के भाव में। अब फालतू का बात कर रहे हैं और मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कौनो फालतू का बात नहीं कर रहे हैं कविराज। इल्जाम जो है ना
उस लड़की की माँ ने लगाया है तुम्हारे ऊपर, और तुम शिक्षक हो बे, शिक्षक के नाम पे भक्षक और साला थू है तुम्हारे ऊपर। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, प्रधान जी के साथ मिलकर आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और चुगिया की माँ कभी मेरे खिलाफ ऐसा कुछ नहीं बोल सकती। अरे बाप रे, उखरे माई को भी है साला, टेस्ट नहीं है तुम्हारा भट। मास्टर है का कहीं बड़ी समझा रहे हैं, समझ गए। प्रणाम प्रधान जी। बैठिए बैठिए प्रधान जी। सर एक बाहर का आदमी हमारे गांव में आता है और हमारे गांव की लड़की के साथ गलत करता है, और यही लड़की उस आदमी से मिलकर हमारे गांव के लड़कों के ऊपर आरोप लगाती है। अब बताइए ये कहां तक सही है, बताइए। देखिए हम इस गांव के सेवक हैं, ना गलत करते हैं और ना किसी के साथ गलत होने देंगे। ये लड़की उस पाप में बराबर की भागीदार है, इसने उस मास्टर के साथ मिलकर गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है। प्रधान जी, आप मास्टर जी पे गलत आरोप लगा रहे हैं। ये बात सबको पता है कि कौन सही है और कौन गलत। ए चुहिया, चुप चुप रह, बहुत बकर बकर करती है। पर्वतिया, समझा अपनी बेटी को, वरना प्रधान जी तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। बड़का मास्टर जी, ये सब गलत हो रहा है। मास्टर जी बहुत अच्छा इंसान है। चुप चुप रहेगा, तुम भी प्रशांत जी सब भचर भचर कर रहा है क्या? चुप चुप रहो, क्या करना हम करेंगे जी। हम प्रधान जी से बतिया लेंगे। हम आप लोगों से हाथ जोड़ते हैं, हमारी बेटी नादान है, इसको कुछ अक्कल नहीं है। कहा इसको खबरदार, जो कुछ कही हमेशा चाल दे देंगे। हमसे और हमारी बेटी से गलती हो गई है, हम आप सबसे माफी मांगते हैं। पंच का जो फैसला होगा हमको मंजूर है। वैसे तो ये लड़की गांव में रहने लायक नहीं है, लेकिन इसकी माँ गलती मान चुकी है, इसलिए हम इसको माफ करते हैं। लेकिन वो मास्टर की गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उसकी सजा ये है कि सूरज निकलने से पहले उसे गांव छोड़ देना होगा। अब तो मास्टर जी को जाना ही पड़ेगा। और रही बात इस चुहिया की, तो इस चुहिया के लिए यह फैसला है कि आज के बाद यह स्कूल नहीं जाएगी, क्योंकि यह अगर स्कूल गई तो गांव के बच्चों पे गलत असर होगा। यही पंचायत का आखिरी फैसला है, सबको मंजूर है ना? लेओ प्रसाद,
अरे आइए सर। प्रशांत जी कहाँ हैं? प्रणाम सर। यहाँ हैं। देख लिया ना परोपकारी बनने का नतीजा? अरे कुछ नहीं है महाराज, ये वही है देश जिसकी लाठी उसकी भैंस, सब मुंह देखवा बात करता है। और फिर आप हैं क्या, मामूली टीचर, हिंदी में उसको शिक्षक बोलते हैं, वो भी उच्च विद्यालय का, कोई मंत्री नहीं है कि तंत्र बदल दीजिएगा। वह बात तो समझा रहे थे सर, कितना समझाए इनको, लेकिन क्या करें। बोले भैया ये गांव का मामला है, दूसरे के फटे में टांग मत अड़ाओ, लेकिन सुनता ही नहीं है। वो तो अच्छा हुआ सर कि केस नहीं बनाए हैं अभी तक। छोड़ दीजिए दरोगा जी, जाने दीजिए, पंचायती का फैसला हो गया है, कल सुबह तक आपको गांव छोड़ के जाना है। गनीमत है कि प्रधान जी को हम बहुत समझाए या वो मान गए, न तो जिंदगी भर इसी जेल कोठरी में बिताना पड़ता था। आ नौकरी जाती सो अलग, हम ऊपर बात कर लिए हैं, आपका तबादला हो जाएगा। आ कहीं अच्छे जगह तबादला करा के चुपचाप पढ़ाइए, इस सब लफड़ा में मत पड़िए। दरोगा जी छोड़िए इनको, छोड़िए। छोड़ देते हैं सर, आइए। चलिए जाने दीजिए, सब होता है लाइफ में, क्या कीजिएगा। चलिए छोड़िए, दिल छोटा मत कीजिए, ये सब होता है। दुखी होने से क्या फायदा, हम जान रहे हैं कि आपकी बहुत बदनामी हो गई है, इसीलिए कह रहे हैं कि आप सुबह सुबह यहाँ से निकल जाइए और कहीं और जाके शांति से अपना जीवन बिताइए, समझे ना। आप एक अच्छे इंसान हैं और एक अच्छे शिक्षक भी हैं, इसलिए ये सब हम कह रहे हैं आपको। सही कह रहे हैं बड़का मास्टर जी। हमारी बात का बुरा मत मानिएगा, और हम क्या कहें, अपना ख्याल रखिएगा। सत्यमेव जयते। अब किताबी हो चला है, अब इसका कोई मतलब नहीं है। सुना था सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं, मगर ये सत्य तो हार गया।
अब समझ में ये नहीं आ रहा कि ये हार किसकी है, हमारी, सिस्टम की, चुहिया की, या फिर पूरे समाज की। आज बुराई जीत गई और सत्य हार गया। सोचा था जो न्याय हम अपनी पत्नी को ना दिला सके, उस न्याय की लड़ाई मैं चुहिया के साथ लड़ूंगा, उसे न्याय दिलाऊंगा। नारी जो जन्म दाता है मनुष्य की, मनुष्य जिससे समाज बनता है, आज उसी समाज के लोगों ने उस नारी की अस्मत को लूटकर उसके अस्तित्व को झुठला दिया। कहाँ का टिकट चाहिए? आपको कहाँ जाना है भाई साहब? लाइए पैसा दीजिए, फुटकर नहीं है क्या? लीजिए, कहाँ जाना है भाई साहब? पटना। कितना टिकट चाहिए? दो टिकट पटना। ये लीजिए।